हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गाइस कैसे हम अपने आईफोन 5S और आईफोन 6 में किसी भी एप्लीकेशन को कैसे लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हो मेरे पास आईफोन 5S है और आज की इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर आपको बताऊँगा कि हम कैसे किसी भी एप्लीकेशन को हम लॉक कैसे लगा सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन आप अपने ऐप स्टोर में से इंस्टॉल की हो, चाहे वो आपकी इनबिल्ट आईफोन की एप्लीकेशन, चाहे वो आपकी सोशल मीडियाज की एप्लीकेशन हो। सोशल मीडियाज की एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस को हम कैसे अपने आईफोन में लॉक लगा सकते हैं, स्पेशली अपने आईफोन 5S में iOS 12 और 5.5 के ऊपर। तो गाइज यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मेरे पास आईफोन 5S है और इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो है iOS 12 और 5.5, जो कि आईफोन 5S और आईफोन 6 के लिए बहुत ही लेटेस्ट iOS वर्जन है। सो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको अपनी सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करना है और ये जो मेथड है विदाउट जेलब्रेक मेथड है, हर एक आईफोन यूज़र इसे यूज़ कर सकता है अपने किसी भी आईफोन में। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम के ऊपर आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन टाइम के ऊपर आपने टैप करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगी यूज स्क्रीन टाइम पासकोड की। तो सबसे पहले इस ऑप्शन के ऊपर आपने टैप करना है। तो यहाँ पर आपने एक पासकोड आपने सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली 1234 इसका जो पासकोड है यहाँ पर एंटर कर दिया है। री एंटर करेंगे अपने पासकोड को फिर से और आपका जो स्क्रीन टाइम का पासकोड जनरेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप लिमिट्स के ऊपर आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपको अपना जो स्क्रीन टाइम का पासकोड था वो यहाँ पर एंटर करना है। तो 1234 मैंने यहाँ पर एंटर किया अपना पासकोड। तो यहाँ पर आपके सामने ये फोल्डर ओपन हो जाएगा ऐप लिमिट्स का। तो आपने यहाँ पर ऐड लिमिट्स के ऊपर आपने टैप करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। यहाँ पर आपको बहुत सी कैटेगरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, सोशल मीडिया के रिलेटेड और गेम्स के रिलेटेड, एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशंस आपके आईफोन में कितनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएटिविटी की एप्लीकेशंस, यहाँ पर आप देख सकते हो फोकस के नाम की एप्लीकेशन है और 4 more एप्लीकेशंस मेरे आईफोन में इंस्टॉल हैं जो कि क्रिएटिविटी के बीच में आती हैं। और एजुकेशन के रिलेटेड भी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हो। तो मैंने सिंपली यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ली हैं। तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको टाइमर सेट करना है। सिंपली मैंने 1 मिनट यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो एप्लीकेशन है 1 दिन में 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगी। 1 मिनट के बाद मेरी जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने आप ही लॉक हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसे 1 आवर के लिए भी सेट कर सकते हो, बट मैंने इसे 1 मिनट तक ही सेट किया है। मेरी जो एप्लीकेशंस है 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी मेरे आईफोन में। तो यहाँ पर आपने सिंपली ऐड के ऊपर आपने टैप कर देना है। तो जैसे ही ऐड कर दोगे आपकी जो लिमिट होगी वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम चेक 5 मिनट्स रिमेनिंग फॉर क्रिएटिविटी टुडे। 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली मेरी जो एप्लीकेशंस होंगी वो अपने आप ही लॉक हो जाएंगी। क्रिएटिविटी में मेरी जो कैमरा की एप्लीकेशन आएगी और यहाँ पर एडिटिंग के रिलेटेड जो मेरी एप्लीकेशंस होंगी वो आएंगी, जैसे कि VN की एप्लीकेशन होगी, फोकस की एप्लीकेशन होगी और अपनी कैमरा की एप्लीकेशन तो है ही और साथ में अपनी फोटोज एप्लीकेशन भी हो गई, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी 5 मिनट्स के बाद। तो आपने यहाँ पर अभी यहाँ पर मैसेज देखा तो स्क्रीन टाइम अभी हो चुके हैं 5 मिनट्स, अभी नहीं हुए हैं। 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली जो क्रिएटिविटी का फोल्डर होगा उसमें जोन सी भी एप्लीकेशंस होंगी वो यहाँ पर लॉक हो जाएंगी। तो यहाँ पर सिंपली आपने वेट करना है तो आपकी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।